पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पलवल के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे और दौरे के दौरान ही उन्होंने खादर के गांव बागपुर सोल्डा राजपुर खादर में ग्रामीणों से मुलाकात की। हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों को जल्द से जल्द 40,000 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दे, साथ ही जिन किसानों के मकान गिर चुके हैं उनके भी उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाए और बाढ़ के कारण गांव में लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। गांव वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो विधानसभा में किसानों की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, साथ ही ये भी कहा कि उनकी सरकार के समय में जगह जगह बंद लगा दिए गए और इसके कारण बाढ़ से पहले इतना नुकसान नहीं होता था, लेकिन इस सरकार में किसी तरह का कोई कोशिश ही नहीं की, कोई प्रयास ही नहीं किया गया जिसके चलते बाढ़ से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है और फसल बिल्कुल खराब हो गई, मकानों का भी नुकसान हुआ है, दुकानों का भी हुआ है और सड़क तो बिल्कुल खराब हो गई। तो सरकार को तुरंत जो है 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए और जो मकानों की टूटी उनकी जो है पूर्ति करनी चाहिए, जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति तुरंत करनी चाहिए। और अभी मेरे को बड़ा अफसोस है, मैंने अभी पूछा लोगों से, सरकारी कोई आदमी नहीं आया पूछने के लिए, कोई मदद नहीं आई अभी।